आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, एक चीज को सब लोग स्वीकार करेंगे कि जैसे जैसे औषधि बढ़ती जा रही है, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हो रही हैं उसी हिसाब से रोग बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि उस रेशो में देखें तो उससे कहीं ज्यादा रोग बढ़ रहे हैं। और हर व्यक्ति, आप देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से पीड़ित है। कोई भी रोग हो, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ित है व्यक्ति। बहुत सी सामान्य सी बीमारी है, बीपी है, शुगर है, स्टोमक डिसऑर्डर से, ईएनटी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, कार्डियक प्रॉब्लम से, रीनल प्रॉब्लम से, एनेमिक है, उसमें डिप्रेशन है, उसको एंग्जाइटी है, कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और तो छोड़िए, जो इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, छोटे बच्चे नहीं, जो जो बच्चे पैदा जो हो रहे हैं, है ना, नए बच्चे, न्यूली बॉर्न बेबीज, वो सिंस बर्थ डायबिटिक पैदा हो रहे हैं। ये देख रहे हैं ना आप, बच्चों को बीमारी, बच्चों को रोग तरह तरह के। तो ये सब क्या है, देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। देखिए, अगर देखा जाए, देखिए बौद्धिकता से सोचें तो बिरले एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, बिरले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो रोग से पीड़ित नहीं है, किसी न किसी तरीके से स्ट्रेस में नहीं जी रहे हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो या तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनका खान पान, जिनकी जीवन शैली बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल कहीं उसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, और बिल्कुल जो प्राकृतिक जीवन शैली को जी रहे हैं, जो बिल्कुल उनका खान पान देखिए, उनका रहन सहन देखिए, है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल संयमित जीवनों का। या फिर वो लोग जो योग से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो ध्यान पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो जो रूहानियत वाली बातें तो बिल्कुल अलग हैं। देखिए, उनको मैं सब चीज़ों से नहीं जोड़ता, मगर वो बिरले एक्सेप्शन केसेस में ऐसे मिलेंगे। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं समझता हूँ 80-90% केसेस में, अब ज़्यादा बल्कि, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है लोगों से। देखिए, ये तो हम सब स्वीकार करेंगे कि केवल दवा से अगर रोग ठीक हो गए होते तो कोई बीमार नहीं होता, फिर इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कोई बीमारी नहीं होता। मगर कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आस्था, व्यक्ति में फेथ डेवलप हो, है ना, व्यक्ति में विश्वास डेवलप हो, ये तो पहली चीज़। और फिर देखिए, भाग्य है, उसका पुरुषार्थ है, है ना, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा और उनको क्लब किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्या तरीका है, कैसे बचा जा सके। देखते रहिए गोपाल जी मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके आता हूँ, मगर बड़ी मोटिवेट करने वाली चीज़ें होती हैं। अगर इनको आप अपनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बस एक शब्द मैं ही कहूँगा, देखिए सनातन धर्म में देख लीजिए, आप सनातन धर्म में आप जाइए तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो भगवान नाम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गीता में भी यही कहा गया है, अगर गीता का सार निकालें तो सब चीज़ें बिल्कुल उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो वो कहते हैं वहाँ पे कि भगवान की शरण में जो आया, जिसने भी भगवान का सानिध्य पा लिया, जो भगवान की शरण में चला गया, वो निष्पाप तो बना ही रह सकता है उसके सारे। और यहाँ तक कि जितने रोग हैं, पीड़ा है, कष्ट है, चाहे वो आदि हैं चाहे व्याधि हैं। देखिए, आदि और व्याधि की मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन क्लियर करूंगा कि आदि क्या है, व्याधि क्या है। तो ये सब चीज़ें, दुर्गा सप्तशती में अगर जाएंगे तो माँ भगवती स्वयं कहती हैं अपने मुखार बिंदु से कि जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, जो लोग भजन से जुड़े हुए हैं, जो लोग हवन करते हैं, जो लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, जो लोग दान पुण्य का काम करते हैं, वो कष्टों से बचे हुए हैं, उनके पापों का तो नाश हो ही रहा है, उनको आरोग्य मिलेगा, उनको आयुष्य मिलेगा, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो इस सब से जीवन से जुड़े होते हैं। मानस साहित्य में देखिए आप, अगर आप तुलसीकृत साहित्य में जाएंगे, मानस साहित्य में जाएंगे, राम नाम की महिमा अपरंपार बताई गई है, है ना, और राम नाम का जो अमोघ मंत्र, महामंत्र भी जिसको कह सकते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, ये अगर नित्य सतत जाप करता है व्यक्ति तो बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारे क्या, मैं समझता हूँ समस्त कष्टों से,
चाहे वो दैहिक कष्ट हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, किसी न किसी रूप में उसका सुखानुभूति जरूर होती है अगर वो अमोघ मंत्र से जुड़ जाता है। अगर राम रक्षा स्तोत्र में देखी जाइए तो वो बहुत अच्छा बताया है पापों के नाश के लिए, समस्त पाप जन जितने हमारे रोग हैं हमारे, उन उनके कष्टों के निवारण के लिए राम रक्षा स्तोत्र बहुत अच्छा बताया गया है। राम भद्रेति राम चंद्रेति वरण, तो ये अगर उसमें जाए तो और अच्छा लगेगा। सनातन धर्म में अगर चाहते हैं देखते हैं अगर तीन नामों को बहुत महत्व दिया गया है रोग के निदान में आयुष्य के लिए, चाहे वो आदि हो चाहे व्याधि हो। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्चन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये कहा गया है इन तीन नामों का सतत उच्चारण करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। सत्य है बिल्कुल, पुनः पुनः सत्य है। सब इसको भौतिक वर्ग के लोग, सब इसको आध्यात्मिक वर्ग के लोग, सब इसको मानते हैं। और देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था, धनवंतरी भगवान का जब प्राकट्य हुआ था, तब ऋषियों को देवताओं को जितने संत मुनि महात्मा जो भी मान के चले हम, सबको उपचार का जो ज्ञान दिया था देवताओं को उन्होंने, तो उसमें तीन नामों को अच्युत अनंत और गोविंद, इन तीन नामों को रोग निदान के लिए एक सर्वाधिक प्रभावशाली औषधि के रूप में बताया था उन्होंने कि यही एक ऐसे तीन नाम हैं जो सबसे बड़ी औषधि हैं हर रोग के निदान के लिए, इसको इन्होंने कारगर बताया था। तो ये धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी महाराज जी का कहा हुआ, तो इसका करना क्या है? देखिए रोगों के निदान के लिए दवा दारू जो आप ले रहे हैं, जो भी तरीका है आपका, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, तीन नाम अच्युत पहला नाम, दूसरा नाम अनंताय, तीसरा नाम गोविंद, इनका सतत जप, इनका सतत मनन, इनका सतत पाठ, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, कोई बंधन नहीं है इसमें। सो रहे हो तो जाप कीजिए, चल रहे हो तो जाप कीजिए, नहा रहे हो तो जाप कीजिए, और बस जाप गुणन मनन अंदर ही अंदर चलता रहे, सतत जाप चलता रहे। और बस ये जब होने लगे, अपनी रिदम बना लीजिए, अपनी लय बना लीजिए, अपनी धुन बना लीजिए, उसमें तीन नाम का सतत रटन चलता रहे। अगर ये मन में बस गए तीन नाम, तो रोगों के निदान और पाप को से मुक्ति मिलने के लिए इससे बढ़िया मैं नहीं समझता कोई निदान होगा। इसको करें दोस्तों, आप देखिए कितना अच्छा लगता है, कितने आनंद की अनुभूति होती है आपको। दोस्तों गोपाला जी के मोटिवेशन वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और भी अच्छे लगते हैं तो फॉरवर्ड करें, बेल में क्लिक कर दें, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे, अपडेट्स हमारे रेगुलर मिलने लगेंगे आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।